यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जो है गोल्डी मसाला में एक कार्यशाला में शामिल होने के लिए दादा नगर वहां पर पहुंची और वहां पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने व्यापारियों के साथ बैठक की और इसके बाद उनकी समस्या के बारे में उनसे जानकारी ली और इस दौरान गोल्डी ग्रुप की सराहना उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि गोल्डी मसाला देश का नंबर वन है और वो विश्व का नंबर वन बने और इसके लिए शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई। वही गोल्डी मसाला के प्रबंधक निदेशक सोम गोयका के द्वारा आज उनके द्वारा हम लोगों के बीच मंत्री नहीं है, हम दर्द में बैठे हुए थे, हर परेशानी में वो खड़े रहने का उनके द्वारा वादा भी किया गया। देखिए आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे भारत पूरी दुनिया में एक अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल है और कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मुंबई कहा जाता था, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत बड़ा इसका योगदान रहता था, वैभव वो सारी चीज़ें फिर से वापस हो, यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट बहुत उत्साही और बहुत ऊर्जावान हैं और अपनी क्षमता से बढ़ करके काम करने वाले लोग हैं। पूरी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ मौका देने के लिए आतुर भी है और सारी तैयारी के साथ काम कर रही है। हमने 55 साल के व्यापारिक यात्रा में ऐसा सुखद अनुभव कभी नहीं हुआ। आज हमें लग रहा था कि हम किसी मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने किसी नेता से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम उद्यमियों का, हम व्यापारियों का, हम छोटे लोगों का और वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा हम या हमारे जैसों ने तय करी है, उनका दर्द हमारे मुंह की बजाय हमारे भाई जो मंत्री के रूप में आज गोल्डी मसाले के इस कॉरपोरेट ऑफिस में पधारे हैं, वो मुंह से हमारा दर्द बोल रहे थे और उन्होंने भी उस दर्द को चूंकि महसूस किया था और आज उसकी वजह से भगवान पर भरोसा रखने वाले सनातन धर्म के अनुयायी का ही कारण है कि आज वहाँ से चल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भोलेनाथ से माँ गौरा से नवरात्रि में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति को मंत्री नहीं और आगे तक ले जावे और उनकी स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हैं। और जब कभी भी हम व्यापारियों पे, हम उद्यमियों पे कोई परेशानी हो तो जिस तरीके से उन्होंने यह वादा किया है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्द को अपना दर्द समझ करके उसी प्रकार से निवारण करने में कोई कसर नहीं छोड़े और हम उनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे उद्यमियों की तरफ से हमारा वादा है। धन्यवाद, नमस्कार।